अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम लोग डीमार्ट आए हुए थे। शाम का टाइम था, 6 बज गया था और हमने सोचा कि चले जो सामान नहीं है हम वो सामान ले लेते हैं। तो बस सामान लेने आए थे और काफ़ी रश था। डीमार्ट में तो होता ही है कि कभी रश ख़त्म नहीं होता है, तो चाहे आप सुबह जाओ या शाम जाओ या दोपहर पे जाओ, क्योंकि सामान ही वैसे मिलता है यहाँ। जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बहुत सस्ती होती है, काफ़ी अच्छी रहती है, मार्केट के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो बस हम लोग लेने आए थे। और ये बाल्टी भी देखिए, ये वाली बाल्टी हमने पसंद किया है, हम लोग लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारी बाल्टी हो गई थी ख़राब। हम लोगों को यहाँ पर डीमार्ट में 2 घंटा लग गए थे। हम लोग 6 बजे आए थे, करीब 8:15 बजे करीब यहाँ से निकले, और हम जिस वक्त आए थे बारिश बहुत ज़बरदस्त उठ रही थी और रश बहुत था, बाहर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी काफ़ी लंबी। तो हम लोग ने सोचा कि चले हम अपनी गाड़ी को पार्क बाहर कर लेते हैं, क्योंकि फिर अंदर से बाहर ले जाने में ज़्यादा मुश्किल जाएगी। लेकिन सोच रहे थे कि अगर बारिश हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बाहर कार तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही हम लोग वहाँ से फिर डीमार्ट से निकले तो तब तक के वो कोई बारिश नहीं थी, लेकिन हाँ बस जस्ट यहाँ से हम लोगों को हल्की हल्की बारिश मिली, वरना बहुत अच्छा रहा। हम लोग ने सारा सामान ख़रीद लिया और काफ़ी अच्छा रहा, और 2 घंटे लग गए हमें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम लोग कल गए हुए थे डीमार्ट और वहाँ से हमें ग्रोसरी सामान लेना था, तो जो जो सामान नहीं था वही चीज़ें लेने के लिए गए थे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं लाए, जो चीज़ नहीं थी वही लिए। क्योंकि होता यह है कि डीमार्ट जाने से पहले देख लेते हैं कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, क्योंकि होता यह है कि आप बिना देखे जाएंगे तो डबल डबल सामान हो जाता है, कई बार याद नहीं रहता कि आपने क्या लिया है और क्या नहीं लिया। तो वो हम जाने से पहले पूरा चेक करके जाते हैं कि क्या चीज़ लेना है और ये 1 महीने चल जाएगी या नहीं चलेगी, तो उस हिसाब से फिर लेते हैं। अगर 15 दिन चल जाएगी तो 15 दिन के हिसाब से फिर वो सामान को हम लेते हैं और उसको फिर अलग रखते हैं, जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती तभी फिर हम उसमें डालते हैं। और इस तरह से जो भी चीज़ें ज़रूरी ज़रूरी थी तो वही सामान लेके आए हैं कल। तो बस वो सामान सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो हम सोचा चले आपको दिखा देते हैं कि क्या चीज़ लेके आए थे। ये कल लेके आए थे तो यहीं पर रख दिया था, क्योंकि उधर दीवान पे अच्छा नहीं लगता बाहर हॉल में, तो सब ला के यहीं रख दिया था कि जब भी रखना होगा तो फिर यहीं से उठा के रखेंगे। तो ये रात में यहाँ पलंग पे ला के रख दिया था क्योंकि यहाँ सोता नहीं है कोई। तो ये देखिए, ये तेल है और ये वॉशिंग मशीन का लिक्विड है, तो ये हो गया। और ये आटा है और ये शक्कर है। और ये देखिए, ये बाल्टी लेके आए थे, और क्योंकि बाल्टी बहुत ख़राब हो गई थी, यहाँ का पानी बहुत हार्ड होने की वजह से बाल्टी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो बस ये एक बाल्टी और इसके साथ एक मग्गा ले लिया था। और ये सारे वेफर वगैरह है, ये अयास के है, तो ये बिस्किट वगैरह है, इसमें से 1-2 निकाल के वो खा भी चुके हैं। तो ये है ओरियो है, ये पापड़ लिया था, ये भी वेफर है, अलग अलग फ्लेवर है, ये मखाना है और ये स्कॉच ब्राइट है, सॉरी स्कॉच ब्राइट है, और ये मग्गा है और ये ओडोनिल है, और ये केक है, ये भी फ्लेवर अलग है, ये इलायची है और ये भी केक है, और ये स्पंज है। तो ये चीज़ हो गई। और इस थैले में देखें क्या है, ये इसमें अरहर दाल है यानी तुअर दाल, नमक की फ्रूटी है, ये थोड़ी शक्कर, ऐसा लगा कि कम हो जाएगी, नाम महीना भर चले नहीं चले, इसलिए ऐसे शक्कर हमारे बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि सब मीठा खाने वाले हैं। और ये देखिए बेसन है, और मीठा बनता भी है, जैसे हलवा वगैरह है या कोई चीज़ है बना लेते हैं तो वो। और ये हार्पिक है, ये दोनों बाथरूम के लिए अलग अलग रख दो, वहीं तो सही रहता। और इसमें देखें इसमें क्या है, ये भी अयास के खाने का है, ये फिनाइल है, सब वही ज़रूरी जो चीज़ें होती है। ये देखिए ये खुल चुका है वेफर,
अयाज कप निकाल के खा लिए, और ये ज़ीरा है, और ये नूपुर मेहंदी है, बालों में लगाने के लिए लेते हैं, ये साबुन है बर्तन धोने का, ये घी है, और ये हल्दी है, थोड़ी बची थी लेकिन हमने कहा ले लेते हैं क्योंकि कब ख़त्म हो जाए पता नहीं, ये चना दाल है, और ये कोलिन है, ये छोटी छोटी दो ले लिया था क्योंकि एक खुलती है तो फिर उसका पूरा जो होता है वो ख़त्म हो जाता है इसलिए, और ये नारियल तेल का है, ये मसूर दाल, ये वाला इस बार पियर्स लिया है क्योंकि देखते हैं यूज़ करके, अरबाज़ यूज़ करते हैं, हमसे कहा था कि ले लीजिएगा आप भी ऐसे, तो हमने कहा चले ले लेते हैं, अच्छा रहता है वैसे हम भी यूज़ करके देखें। चलिए तो फिर इतना सामान लेके आए थे और अब इसको अपनी जगह में जमा देते हैं।